Himachal Tourism, Billing Paragliding Association, Aero Club of India, FI, SHI, HP Adventures, Z Punjab Haryana Himachal. क्या खूब लग रही है शांत अलौकिक आध्यात्मिक व धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी बीलिंग की ये वादियाँ, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ आगाज़ हो गया है क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का, जहाँ पर 33 देश विदेशों के जो पायलट्स हैं वो शामिल हो रहे हैं और इनकी संख्या 196 है। ऐसे में अगर बात करें महिला प्रतिभागियों की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें ये शामिल ना हो। जी हाँ, 20 महिला प्रतिभागी भी इसमें शामिल हो रहे हैं और यहाँ का जो नज़ारा है बेहद ही खूबसूरती से सराबोर है। और आपको बता दें, जो बीलिंग है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग साइट है और साथ ही एशिया की पहली सबसे ऊँची पैराग्लाइडिंग साइट है। भारत की कैपिटल ऑफ पैराग्लाइडिंग के रूप में विख्यात विश्व की दूसरी सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग साइट बीर बिलिंग में क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो गया है। हमारा यहाँ पे आज से ये 26 अक्टूबर से क्रॉस कंट्री एक्सी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का जो शुभारम्भ हो चुका है। इस प्री वर्ल्ड का शुभारम्भ जो है माननीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन कैबिनेट रैंक श्री आर एस बाली ने वर्चुअल माध्यम से इसका जो है इनोग्रेशन किया है, और साथ में फ्लैग ऑफ हमारे जो लोकल MLA और CPS श्री किशोरी लाल जी ने इसका फ्लैग ऑफ किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा रिहर्सल डे था, कल से 27 से हमारा टास्क शुरू हो जाएगा। जो हमारी टास्क कमेटी है पर डे इसमें टास्क डिसाइड करेगी। इसमें जो हमारे स्कोरर हैं, जो PWCA के मैसेडोनिया से स्कोरर आ चुके हैं, और हमारे हर पार्टिसिपेंट जो है उसकी लाइव ट्रैकिंग होगी, शाम को रिजल्ट होगा, पर डे जो इसका रिजल्ट का कंक्लूजन होगा, और जो लास्ट में फाइनल डे पे जो मार्क्स हैं पर डे इसमें मार्क्स मिलेंगे, और जो लास्ट डे में जो मार्क्स पर डे रिजल्ट जो कंक्लूड हो गए, जो इसमें जो विजेता लास्ट में जो इसमें विजेता बनेगा। हमारी बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की टीम जो है पूरे दिन रात इस काम में लगी हुई है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने 6 महीने के बाद हमें दूसरा इवेंट हिमाचल प्रदेश में और जिला कांगड़ा में जो करने का उन्होंने हमें जो है अवसर प्रदान किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी टीम का, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के हर एक मेंबर का, जो दिन रात पूरे महीने से दिन रात लगे हुए हैं, और ये हमारी देश की इज्जत और हमारे प्रदेश की इज्जत का सवाल है, तो हम इसको बहुत अच्छा तरह करने की जो है इसकी पूरी तरह कोशिश करेंगे। पूरी बिलिंग घाटी को अलौकिक रूप से सजाया गया है और हर तरफ मनमोहक नज़ारे दिख रहे हैं। देश विदेश से आए पैराग्लाइडर प्रतियोगी एकजुटता के साथ अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बिलिंग को भी हम टूरिज्म के लिहाज से आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि यहाँ पर बाहर से सैलानी आए, टूरिस्ट आए और इस मनोरम घाटी का आनंद लें। यहाँ टूरिज्म के और भी अधिक आसार हैं, उन्हें हम विकसित करें। 12 महीने लोगों का तांता यहाँ रहे, ताकि यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, और ये घाटी पूरा साल एक बाहरी जो टूरिस्ट आते हैं उनके चहलकदमी से आगे बढ़े, यही मेरा पूरा प्रयास है। इस कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। दूसरी बार पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप यहाँ आयोजित हुआ, और हमारे जो पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन हैं आर एस बाली साहब, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उनकी कृपा से दूसरी बार हमें प्री वर्ल्ड कप कराने का यहाँ मौका मिला है। निश्चित तौर पे एक घाटी पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ेगी, और यहाँ के जो युवा हैं उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, और ये पर्यटन की दृष्टि से स्थान जो है डेवलप होगा। ये योजन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। युवा बच्चे जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के साधन यहाँ मिलेंगे, होटल कारोबारियों का काम चमकेगा, टैक्सी वालों को काम मिलेगा, जो मजदूर हैं मजदूरी करते हैं उन्हें काम मिलेगा, चाय वालों को काम मिलेगा, तरह तरह के जो लोग हैं उन्हें रोजगार के अवसर जो यहाँ प्राप्त
बिलिंग जो है पैराग्लाइडिंग के लिए नंबर वन साइट है, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है। इसलिए जो बाहर के लोग हैं पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं वो इस घाटी को पसंद करते हैं और स्वेच्छा से आते हैं। इस प्रतियोगिता में 33 देशों के 196 पायलट आ चुके हैं जो अपनी प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें 20 महिलाएं भी भाग ले रही हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ आते हैं अपने साथ यहाँ की मेमोरीज लेके जाते हैं, और जब वो अपने अपने कंट्री में जाके उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो उससे टूरिज्म को और बूस्ट मिलता है। जो बीपी है, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, उसका खास इनिशिएटिव रहा है इसको ऑर्गेनाइज करवाने में, और मिस्टर अनुराग शर्मा जी हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए मेहनत की है, और जो उनकी टीम है वो इस इवेंट को जो भी उनकी टेक्निकल टीम्स हैं, जो उनका जितना हॉस्पिटैलिटी है वो सारा उसका व्यवस्था देख रही हैं, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली उसको ओवरव्यू कर रहा है, और उसका जो है वो जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें जो भी रहने का है, खाने की व्यवस्था है, उसको पूरी तरीके से हम देख रहे हैं। सुविधा की, क्योंकि हाई रिस्क एक्टिविटी माना जाता है पैराग्लाइडिंग को, और सुविधा जो जितने भी सुरक्षा मानक हैं उनका, उनको देखते हुए जितनी व्यवस्थाएं बनाना ज़रूरी हैं, तो उसके लिए एक तो जितना भी इक्विपमेंट है पहले उसको हम देखते हैं कि वो सर्टिफाइड इक्विपमेंट हो जो यूज़ कर रहा हो। दूसरा, जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो हमारे डायरेक्टर अभिमास मिस्टर अविनाश नेगी भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, उन्होंने अपनी 10 टीम्स जो हैं वो अलग अलग जो एरियाज हैं उसके लिए डेजिग्नेट कर रखी हैं। हमारे यहाँ पे एम्बुलेंसेज जो हैं उसकी CMO कांगड़ा जो है उनके सुपरविजन में मेडिकल टीम्स जो हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, 10 एम्बुलेंसेज यहाँ पे जो है वो तैनात की गई हैं। तो इस तरीके से जो है एक पूरा सेटअप है, इवन हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भी जो है वो टाई अप किया गया है, आर्मी का विंग जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स विंग है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पूरे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएँ बनाई। हिमाचल प्रदेश व BPA क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कर रहा है, जो प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। खेल प्रेमियों व प्रदेशवासियों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस तरह क्या ये प्री वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारे क्षेत्र में, एक तो हम क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और हिमाचल प्रदेश सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसको टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, और इसको विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए सरकार के प्रयास है। इसमें पूरा प्रशासन, पूरी सरकार इस अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हमारा क्षेत्र इस पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना गया है, तो प्रशासन का प्रयास रहा है कि इसमें जो जनता को और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए। सड़कों का विकास हो रहा है, पानी की सुविधा, जो सड़क बिजली पानी की जो बेसिक नेसेसिटी है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी सरकार द्वारा यहाँ पर एक थाना SHO का ऑफिस एस्टेब्लिश किया है, ताकि इस तरह की जो एक्टिविटी में जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है वो इजीली टैकल हो सके, तो सरकार निरंतर प्रयासरत है। ये एक तो हमारा ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र है जी। बहुत सुंदरता है यहाँ, और वर्ल्ड लेवल का बेस्ट साइट ये सिलेक्ट हुआ है पैराग्लाइडिंग के लिए जी। एक तो हमें अपनी प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता को कायम भी रखना है जी। और साथ में एक पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित भी करना है, एक इकोलॉजी का संतुलन बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपना योगदान देने की आवश्यकता है, और स्थानीय जनता भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है इस कार्य में। विश्व प्रसिद्ध बीर बिलिंग घाटी में क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 का शुभारंभ पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक RS पाली ने वर्चुअल माध्यम से किया, जबकि CPS किशोरी लाल व BPA टीम ने अपनी मौजूदगी में पायलटों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बिलिंग की खूबसूरत वादियों में जो ये आसमान है, इसमें आज बहुत सारे मानवीय परिंदे जो हैं उड़ान भर रहे हैं, और इन्हें देखकर हमारी आंखें और जो हमारी सांसें हैं वो थम सी गई है। लेकिन अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे मिलेंगे। हिमाचल टूरिज्म, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, एरो क्लब ऑफ इंडिया, फाइव शी, HP एडवेंचर्स, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। छोटे से अंतराल के बाद रोमांच और उत्साह का ये जो सिलसिला है अभी भी जारी है। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं मनाली का रहने वाला हूँ। तो पिछले 28 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड चैम्पियनशिप के लिए। मैं काफ़ी साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, इंडिया का कंपटीशन कर रहे हैं भीड़ भीड़ में। अब ये 5 साल के बाद फिर से जो हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, और मैं तो इस इवेंट का मीट डायरेक्टर भी मैं ही हूँ और पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा माहौल है और मौसम भी बहुत अच्छा साथ देगा, और थ्रू आउट ये क्या बोलते हैं हमारा जो चैंपियनशिप है उसके दौरान अच्छा ही रहेगा मौसम। तो देखते हैं जैसे जैसे मौसम होगा वैसे वैसे टास्क सेटअप हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी साइट है ये, मुझे बताओ और कौन, क्योंकि ये ज़माना था जब लोग बोलते थे कि भाई ये एशिया की नंबर 1 नहीं नंबर 2 साइट है। लेकिन उस ज़माने में उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी कि रोड वगैरह की दिक्कत थी हमारे, तो अब रोड अच्छे बन गए हैं, टॉयलेट्स बन गए ऊपर अच्छे, तो फैसिलिटीज़ की कमी थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि भाई फ्लाइंग के हिसाब से ये नंबर 2 है, फ्लाइंग के हिसाब से मेरे हिसाब से तो नंबर 1 ही है, और मैं नहीं बोलता हूँ दुनिया भी ये मानती है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास हिमालय और इतनी बढ़िया रेंज है, हो सकता है इससे अच्छी कोई और हाइट हो दुनिया में, लेकिन अभी तक किसी ने डिस्कवरी नहीं किया। तो जो जो डिस्कवरी हो रही है तो उस हिसाब से ये ऑफकोर्स दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट साइट इन द वर्ल्ड मेरे लिए। तो सब लोग आए और इस खूबसूरती को इतना ही अच्छा रखे जितना ही है, क्योंकि नेचर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ अभी भी देखो इतनी बड़ी ग्राउंड है हमारा, और ये धान की खेतियाँ है, ये तो नेचर है, तो इसको जो यहाँ की जो वेजिटेशन है इसकी बहुत वैल्यू है, और पेड़ पौधे है जो इसकी हरियाली है इसी की बजाय कि जो यहाँ इतना अच्छा एटमोसफेयर है फ्लाइंग के लिए। हेलो, माय नेम इज़ ले, आई एम फ्रॉम वियतनाम। I have been flying for like 3.5 years, and today my first time I come to India, my first fly in India in Birbirling, and the condition is super. I really recommend it for anyone who want to have a paragliding trip abroad. So this is a place you should go for the if you want to do. So I really thankful for the people here. They are really supportive, and I got help like everywhere I go. So yeah, I say thank you for the people in this area. Yeah, they have been really helpful with one of us pilot. Actually, ये तो मेरा अभी 6th competition है, मैं 2016 से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे competition हो रहा है तो मतलब इस ये opportunity को मिस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा ये है कि बाहर इतना अलाउ नहीं कर सकते। सो एवरी ईयर यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होता रहे तो हमारे लिए काफ़ी लोकल के लिए काफ़ी ये चीज़ इम्पोर्टेंस है बहुत इसकी। आज एक ट्रायल डे था तो वो थोड़ा आपका 60 किलोमीटर के आसपास था, तो जस्ट एक प्रैक्टिस था। तो कल से अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, अगर थोड़ा इजी कंडीशन है तो टास्क ही आपका 80 किलोमीटर हो सकता है, 100 अप भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वेदर रहेगा ये टास्क थोड़ा। एक्चुअली जैसे बाहर फोनर्स पायलट काफ़ी हैं जो काफ़ी आपका प्री वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन करते थे, इस चीज़ में एक्सपीरियंस और जो टच में है वो चीज़ काफ़ी मायने रखता है। तो लोकल्स के लिए हमारे लिए थोड़ा फ़ायदा भी है, लोकल कंडीशन हमें थोड़ा पता है तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा के थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर कर सकते हैं अपनी। मेरे को यह है कि थोड़ा एज ए मतलब ये फ्लाइंग कंडीशंस बीट का काफ़ी सही लगता है आपका सेफ्टी वाइज और आपका क्रॉस कंट्री वाइज और एज ए कंपटीशन, तो काफ़ी अच्छा है ये मेरे लिए एज ए पायलट समझता हूँ मैं तो।
वैसे मैं कर रहा हूँ 2012 से कर रहा हूँ, बट एज ए सोलो कंपटीशन पहले मैंने 16 से स्टार्ट किया है। बीर बिलिंग जहां एक और अपनी खूबसूरती और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर यहां पर आध्यात्मिक जी हाँ संयोग भी देखने को मिलता है। बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज आप बीर बिलिंग में देख सकते हैं, यहां से परिचित हो सकते हैं। तो आज जिस मॉनेस्ट्री में हम आए हैं वो मॉनेस्ट्री है श्रिंगजोंग मॉनेस्ट्री। तो आइए चलते हैं, आपको भी रूबरू करवाते हैं छायाचित्र के माध्यम से इस मॉनेस्ट्री में। क्रॉस कंट्री प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग के फ्लैग ऑफ होते ही जी हाँ एक बार फिर से जो पैराग्लाइडर्स का हुजूम है वो बीर बिलिंग की घाटी पे उमड़ पड़ा है। आज तो सिर्फ ये ट्रायल ही था, लेकिन कल से एक बार फिर क्रॉस कंट्री का आगाज हो जाएगा। आज रोमांच और उत्साह से भरे इस खेल में बस इतना ही, लेकिन कल रोमांच और उत्साह से भरे इस खेल में क्या कुछ होने वाला है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ।